हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। यहां पर देख सकते हैं एक पाई चार्ट मैंने बनाया है पॉपुलेशन को लेकर के। तो ये यहां पर पॉपुलेशन लिखी हुई है तमाम कंट्रीज़ की, इंडिया है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रशिया और मैक्सिको। और यहां पर ये पाई चार्ट में इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको डिटेल और भी अच्छे से दिखाई पड़ेगी। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूं। अब आपको इसको बना के दिखाता हूं। देखिए, इस पूरे पार्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास डेटा हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास ये कंट्री और पॉपुलेशन का डेटा है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सीधा कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से चार्ट पर चले जाना है। अब इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि चार्ट को कैसे चेंज करेंगे। तो ये चार्ट पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपके पास चार्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके से क्रिएट होकर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हो सकता है आपके में बाय डिफॉल्ट कॉलम चार्ट सेट हो तो आपके में कॉलम चार्ट ही आ जाए। तो अभी हमें इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग चार्ट दिए हुए हैं। तो जो भी चार्ट आप चाहते हैं उस तरह का चार्ट आप ले लीजिए और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। इसमें रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर साइड में इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉम्बो चार्ट मैंने बनाया था। अगर मैं वापस से आ जाता हूँ पाई चार्ट पे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, और अगर कॉलम चार्ट की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे प्रिपेयर करना है चार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।